देखिए, आप हाथ अगर देखें ठीक तरीके से तो आप किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। और जब आप हाथ देखते हैं, सबसे पहले हथेलियों का रंग दिखता है। हाथों के रंग से धन के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? व्यक्ति के पास कितना धन होगा, इसका अनुमान सबसे पहले हथेलियों के रंग से लगता है, पाम के कलर से लगता है। हथेलियों का रंग जितना ज्यादा साफ होगा, जितनी क्लियर हथेलियां होंगी, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी होगी। अगर हथेलियां आपकी कालापन लिए हुए हैं, ब्लैकिश टाइप की हैं, तो ये धन का अभाव दिखाती हैं और ये भी दिखाती हैं कि आपके जीवन में संघर्ष बहुत होगा। हथेलियों का रंग दबा हुआ हो, कालेपन की तरफ हो, पैसा नहीं होगा और पैसा कमाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पीला पनली हुई अगर हथेली है तो ये धन की प्राप्ति भी दिखाती है और बीमारियों में इसका खर्चा भी दिखाती है। अगर हथेलियों का रंग हल्का पीलेपन की तरफ है तो व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, पैसा कमाता बहुत है लेकिन ज्यादातर पैसा बीमारियों में खर्च होता है। अगर आपकी हथेलियों का रंग गुलाबी है, पिंक है, तो ये हथेलियां समृद्धि और संपन्नता देती हैं, व्यक्ति को नाम और यश देती हैं। जिन लोगों के पास आपको पता है कि पैसा बहुत है या जो लोग जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पर हैं, उनके पाम का रंग देखिएगा, पाम का रंग नॉर्मली गुलाबी होगा। गुलाबी हथेलियां संपन्नता, सौभाग्य और धन की सूचना जीवन में बता देती हैं। तो पहले आप किसी आदमी के हाथ का रंग देखिए, आप प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ये तुरंत जान जाएंगे कि उसके पास पैसा है या नहीं है। अंगुलियों से धन के बारे में क्या पता चलता है? हाथों की अंगुलियां अगर लंबी हैं और पतली हैं तो ये धन के लिए अच्छा है। अंगुलियों का छोटा और मोटा होना काफी ज्यादा संघर्ष बढ़ा देता है। अंगुलियां अगर छोटी हैं और मोटी हैं तो जीवन में धन के लिए संघर्ष बहुत होगा। अगर अंगुलियों में गांठें ज्यादा हों, ये जो ज्वाइंट है आपकी अंगुलियों का, अगर ये फूला फूला हो, यानी ज्वाइंट गांठें ज्यादा उभरी हुई हों, तो धन की स्थिति में उतार चढ़ाव होता है। अगर अंगूठा सख्त हो, यानी पीछे की तरफ ज्यादा न जाता हो, तो ऐसा व्यक्ति धन कमाता भी है और बचाता भी है। सबसे छोटी उंगली अगर ज्यादा लंबी है, जो कनिष्ठिका उंगली है सबसे छोटी वाली, अगर ये ज्यादा लंबी है, यानी बगल वाली उंगली के थोड़ा और ऊपर तक पहुंच गई है, जितनी लंबी छोटी उंगली होगी उतना ज्यादा पैसा आपके पास जीवन में आएगा। जिन लोगों के पास अपार धन होता है, उनकी छोटी उंगलियां लंबी ज्यादा होती हैं, ऐसा आप देखेंगे। हाथ छोटा हो, मोटा हो, सख्त हो, बहुत सॉफ्ट ना हो, ऐसे लोगों को धन के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।